छिंदवाड़ा में पार्टी ने अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कमलनाथ अब जब AICC बोलेगा, नकुलनाथ छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कमलनाथ बोले, तरह तरह की अफवाह उड़ी लेकिन अब पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। अफवाहों को लेकर किए गए प्रश्न पर बोले कमलनाथ, अफवाहें आप लोगों ने चलाई, मुझसे प्रमोद कृष्णन को लेकर प्रश्न किया गया था जिसका मैंने जवाब दिया था। ऑल इंडिया कमेटी के प्रवक्ता द्वारा कमलनाथ के खिलाफ दिए गए बयान पर प्रश्न करने पर बोले कमलनाथ, उस पर पार्टी ने जितेंद्र ने उनको नोटिस दिया और उनको जवाब देने के लिए कहा गया। इस्तीफे को लेकर बोले कमलनाथ, मैंने 5 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने कहा था कि उसको 5 दिन आउट ना करें। मुझसे पूछा गया किसको बनाए तो मैंने कहा जो उचित हो उसको बनाए। नकुलनाथ के BJP ज्वाइन करने की अटकलों को लेकर बोले कमलनाथ, मैंने कह दिया है पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है, नकुलनाथ ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने अगले लोकसभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। तरह तरह की अफवाहें उड़े पर अब शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी जैसे हमेशा चुनाव की तैयारी करती है वैसे इस दफे भी करेगी। और नकुलनाथ जी जैसी AICC घोषित करती है तो नकुलनाथ जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। कमलनाथ जी, ये अफवाहें क्यों चली? देखिए, आप लोगों ने चलाई जब उस दिन में से प्रमोद कृष्ण का पूछा, मैंने तो उस संदर्भ में कहा कि कोई बना हुआ नहीं है। नहीं तो AICC के प्रवक्ता ने ऐसा क्यों बयान दिया आपके खिलाफ? उसका खंडन किया जितेंद्र ने, ऐसा जोर से खंडन किया, उसको शो कॉज नोटिस दिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से पूरे देश में हवा चली, छिंदवाड़ा में हवा चली, छिंदवाड़ा के जनता नेता आपके समर्थक सभी परेशान है कि कमलनाथ जी कोई जवाब नहीं दे रहे, तो आपको स्पष्ट करना चाहिए कि आप... मैंने तो 5 दिसंबर को अपना इस्तीफा दे दिया था। मैं कहा था 4-5 दिन बाद इसको आउट करना, मैंने आउट किया नहीं। मेरे से पूछा किसको बनाना है, मैंने कहा इन जातियों में से बना ली, वैसे ही हुआ। कौन सी परेशानी है? तब नकुलनाथ जी कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे ना? मैंने कह दिया कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी लोकसभा चुनाव के लिए, इससे और क्या कहूँ। मध्य प्रदेश में या देश में प्रचार के लिए आपकी क्या भूमिका होगी? मैं प्रचार करूंगा जैसे हमेशा करता हूँ। थैंक यू।